टेक हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर टैप करना ना भूलें ताकि हमारे वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलईडी स्क्रॉलिंग के बारे में। दोस्तों, आपने देखा ही होगा मेट्रो स्टेशन, बस स्टेशन या कोई शॉपिंग मॉल या फिर कोई बड़ी शॉप में दोस्तों इस तरह के एडवर्टाइजमेंट बोर्ड आपने तो देखे ही होंगे। दोस्तों, इस तरह के जो इफेक्ट, टैक्स इफेक्ट है, वो आप अपने मोबाइल में भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हमें एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, हम प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर लेते हैं। दोस्तों, और एक मैं बात बता दूं आपको कि आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही नए वीडियो बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें अपने प्ले स्टोर पर जाना है और प्ले स्टोर पर हमें एलईडी स्क्रॉलर फ्री को सर्च करना है। दोस्तों, इसका 4.4 का रेटिंग है और 5 मिलियन लोगों ने इसको डाउनलोड कर रखा है। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, आपको ज़रूर यूज़फुल होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ से। देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पर कुछ पहले से ही टैक्स ऑलरेडी टाइप करके रखे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरह से काम करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जो ये बॉक्स है वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका कीबोर्ड खुल जाएगा और आप कुछ भी उसमें जो वर्ड्स टाइप करना चाहते हैं वहाँ पर से कर दीजिए। फिर दोस्तों, जो पहला ऑप्शन है यहाँ से प्ले का, तो इस तरह से वो शुरू हो जाएगा। दोस्तों, जो उसके बाजू वाला है वो उसको रिटर्न हो जाएगा चालू, और बीच वाला है स्टॉप, उसके बाजू में है जो प्लस माइनस, उससे फॉन्ट छोटे बड़े होते हैं इस तरह से। तो दोस्तों, आपको बड़ी साइज चाहिए तो ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हैं इसको। और उसके नीचे है दोस्तों ये जो पट्टी है, उसको हम टैक्स को जब स्पीड कितनी रखनी है दोस्तों उसके हिसाब से आप सेट करनी होगी इसमें। तो बहुत ही आसान है, यहाँ से आप जितनी भी टैक्स को स्पीड में रखना चाहते हैं उतनी रख सकते हैं। फिर आता है वहाँ पर ब्लिंकिंग। दोस्तों, ब्लिंकिंग आपके जो टैक्स है वो ब्लिंक करने लगेंगे, तो वो भी एक अच्छी उसमें फीचर है। और दोस्तों, यहाँ पर है टैक्स कलर का, आपको जो भी सेट करना है वो कर सकते हैं यहाँ से। मैं आपको ग्रीन करके दिखाता हूँ। और यहाँ पर से नीचे दोस्तों बैकग्राउंड भी आप सेट कर सकते हैं, तो आपको वाइट चाहिए तो वाइट कर सकते हैं, जैसा भी आपको जो पसंद है। मैं ब्लैक ही पसंद करूँगा क्योंकि उसमें बैटरी भी कम खर्च होगी। तो दोस्तों, इस तरह से जब आप सेटिंग पूरा कर लेंगे तो यहाँ से पर स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, आपका टैक्स ऑलरेडी शुरू हो गया है। तो दोस्तों, इसी तरह से आप अपने जो टैक्स है वो कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। आप यूट्यूबर हैं तो आप अपने वीडियो में भी उसको यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों, आप कोई छोटी बड़ी शॉप है तो उसमें भी आप इस तरह से टैक्स लगाकर अपने मोबाइल जो पुराने होते हैं उसमें ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। आशा रखता हूँ दोस्तों, आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।